हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं सीटेट 2019 जो कि 7 जुलाई को है। लगभग आपके पास गिनती के दिन 24 या 25 रह चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। ये आपके पास सीटेट को क्लियर करने का बहुत सुनहरा मौका है। अगर जो नए स्टूडेंट सीटेट से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द DSSS भी अपनी पोस्टें शो करने वाला है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो सीटेट क्लियर करेंगे, ताकि वो DSSS का एग्ज़ाम दे सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। और आपको ध्यान होगा कि अपने इसमें से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते हैं, जो 2011 से सीटेट स्टार्ट हुआ था और 2018 तक जितने भी सीटेट हुए हैं, उन सब क्वेश्चनों को अपने इसमें देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या रेशो रहा था नंबर सिस्टम में उनके आने का। और इससे पहले पार्ट नंबर 1 कम्प्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ईजिली से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि 2 की पावर 10 - 1 निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित है। देखिए, 2 की पावर 10 - 1, ये इन चारों ऑप्शनों में किस संख्या से पूरा पूरा डिविजिबल होगा आपको बताना है। आपको पहले 2 की पावर 10 का मान पता होना चाहिए। 2 की पावर 10 का मान कितना होता है, ठीक है? आप 2 को 10 बार गुना करेंगे तो 2 की पावर 10 का मान आ जाएगा। अगर आपको 2 की पावर 5 का मान पता है तो 2 की पावर 5 का मान होता है 32। मैं 2 की पावर 10 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 - 2 की पावर 5, ठीक है? 2 की पावर 5 का मान होता है 32 और इस 2 की पावर 5 का मान होगा 32 और 32 को 32 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 1024। तो 2 की पावर 10 का मान कितना होता है, 1024। और 1024 मैं यहाँ रख सकता हूँ, 1024 - 1 कितना आया, 1023। तो बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 1023 को पूरा पूरा डिविजिबल करती है। अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये नहीं जाएगी, अगर 10 से डिवाइड करता हूँ तो नहीं जाएगी, अगर 12 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 का नियम होता है। अगर आप सीधा भाग नहीं देना चाहते तो 3 का नियम होता है कि पूरी डिजिट में संख्या के योग में यदि 3 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो 1 + 0 + 2 + 3, 3 और 2 - 5, 5 और 1 कितना होता है, 6। 6 में 3 का भाग जा सकता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जा सकता है, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। आप एक तरीका और इख्तियार कर सकते हैं, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर क्या है, सम है, तो आप 2 की पावर 2 में डिवाइड करिए, 2 की पावर 2 कितना होता है, आप 2 की पावर 10 की जगह 2 की पावर 2 लीजिए, 2 की पावर 2 - 1, तो ये कितना होगा, 4 में से 1 या कितने बचते हैं, 3, तो 3 में 3 का भाग जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर आप 2 की पावर 4 ले सकते हैं, 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, 16 में से 1 या कितने होते हैं, 15, तो 15 में 3 का डिविजिबल होगा तो पूरा पूरा जाएगा। आप 2 की पावर 6 भी ले सकते हैं, 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64, 64 में से 1 या कितने बचते हैं, 63, 63 में 3 का डिविजिबल जा सकते हैं। तो आप कोई मर्जी तरीका इख्तियार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है, 63 है, 2 संख्याओं जो कि पॉजिटिव है और उनका योग कितना है, 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दुगनी है तब समीकरण बताइए। पहले तो उसने लाइन बता दी कि 2 संख्याएं हैं और उनका जो सम है वो कितना है, 63 है, 63 है। यदि उनमें से एक x है जो दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी है, ठीक है? यदि मैं आपको बताऊं, यदि ये 30 है तो ये कितनी होगी, 15, यदि ये 36 है तो ये कितनी होगी, 18, क्योंकि उसने बताया कि ये जो x है वो दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी है, मतलब ये वाली संख्या क्या है, इस संख्या की आधी है। अपने को पता होना चाहिए, लाइन से अपने को पता चल रहा है कि एक संख्या x है जो दूसरी संख्या की क्या है, दुगनी है। यदि ये 20 है तो ये कितनी होगी, 10, यदि ये 12 है तो ये कितनी होगी, 24, यदि ये 26 है तो ये कितनी होगी, 13। अपने को पता होना चाहिए ये वाली संख्या इस संख्या की आधी है और ये वाली संख्या इस संख्या की क्या है, दुगनी है। आप कोई मर्जी नियम देख लीजिए। अब आपके पास पहला तो मैं आपको सिखाता हूँ कि x के तरीके से, बाद में आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे सेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसने खुद ने बताया था कि ये वाली संख्या क्या है, x है, और ये वाली संख्या क्या होगी, इसकी आधी होगी। यदि ये x है तो ये कितनी होगी, x / 2 होगी,
मीन्स तो यही निकलता है ना कि ये वाली संख्या इसकी दुगनी है, तो ये दुगनी होगी। देखिए अगर दो, ये अगर एक है तो ये कितनी होगी, दो है। यदि ये हाफ है तो ये कितनी है, एक है, तो ये हाफ बन गई ना। अब मैंने दोनों को जोड़ा और दोनों का जोड़ कितने के बराबर है, 63 के बराबर है, तो दोनों को मैंने 63 के बराबर रख दिया। अब ये 63 ये इधर इक्वल की इधर आ गया, तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अपने को चारों ऑप्शन देखने हैं, चार ऑप्शन कैसे बने हैं, अपने को दो एक तरफ रखना है, ये वाला दो, और बाकी सबको उधर लेके चल जाना बराबर की दूसरी साइड। तो आपको क्वेश्चन से थोड़ा माइंड देखना है आपको। देखिए 63 माइनस एक्स, तो ये वाला इश्तियार हो रहा है 63 माइनस एक्स वाला। आगे देखते हैं अपने, अब देखिए एक्स बटे दो इक्वल टू 63 माइनस एक्स, अपने को दो एक तरफ रखना है, तो ये ऊपर गुना में था, नीचे आ किस में हो गया, भाग में हो गया। अब देखिए इस तरह का कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा ना, अपने को दो ऊपर लेके जाना है, तो मैंने क्या कर लिया, रकमों को पलट दिया। पलटने से क्या हुआ स्टूडेंट, ये दो ऊपर चला गया और ये जो एक था वो नीचे आ गया, दो ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया, और x ऊपर था और 63 माइनस एक्स क्या गया, नीचे आ गया। तो ये देखिए दो ऊपर आ गया ना, तो मेरे पास क्या बच गया, दो बराबर एक्स माइनस 63 माइनस एक्स, जो कि जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए बाई ऑप्शन से कैसे क्लिक करूंगा स्टूडेंट इसको, दो संख्याओं का योगफल 63 है, ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या x है दूसरी संख्या की दुगनी है। अब देखिए आपको ऐसी संख्या छांटनी है जो दोनों का योग 63 बन रहा हो और एक दूसरे की डबल हो या हाफ हो। यदि मैं ये 42 मानता हूँ और ये कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि ये वाली संख्या इस संख्या की क्या दुगनी है। तो दुगनी देखिए है ना, 42 और 63, 42 और 21 कितने बनते हैं, 63, तो 63 बन रहा है योग। अब इसको देखिए कौन से में ये सेटिस्फाइड हो रही है, एक्स का मान कितना आया था 42, अगर मैं यहाँ 42 रखता हूँ, 42 63 माइनस 42 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, 42 नीचे कितना आ गया 21 और बराबर कह रहा है 2, 21 दूना कितना था 42, तो 2 बराबर 2 आ चुके हैं। तो जो मैंने समीकरण उठाई है वो बिल्कुल सही है, आप समीकरण से भी देख सकते हो और इस प्रकार से भी देख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन भी सीटेट 2012 में पूछा गया है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं जो आप बता सकते हैं कि आपकी स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज या फेसबुक पर भेज सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चनों को मैं सोल्व करा सकूं या आपको इस वीडियो में इंक्लूड करके आपकी हेल्प कर सकूं। जो आपसे नहीं हो रहे तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज, आप वहां मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और क्वेश्चन आपने एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ पूछ भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है संख्या 3 की पावर 98 में यदि 5 से भाग देता हूं तो शेषफल कितना रहता है। दो तरीकों से कराऊंगा, एक तो आपको यूनिट प्लेस इकाई जो मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था उससे भी करवाऊंगा, और एक नया तरीका और है, ठीक है। यूनिट प्लेस आपको बताया था, इकाई अंक कैसे निकालते हैं उससे भी सहायता से निकाल सकते हैं आपको। कहता है 3 की पावर 98 में यदि 5 का डिवाइड करता हूं तो शेषफल क्या होगा। देखिए एक छोटा सा नियम बता रहा हूं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर में यदि ए का भाग देता हूं तो ये कैसे जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा। तो इसमें a का भाग जाएगा, इसमें भी a का भाग दूं, इसमें भी a का दूं, इसमें तो कट सकता है पूरा, इसमें पूरा कट सकता है, लेकिन इसमें a का कोई रोल नहीं है तो इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो वो शेषफल रहेगा। तो सेम उसी प्रकार 3 3 की पावर 98 है, तो मैंने इसको 98 को मैंने तोड़ लिया 49 गुना 2 में, तो 49 गुना 2 लिखता हूं तो कितना आता है 98, तो मैंने इसको इस प्रकार तोड़ लिया 98 को, ठीक है। ये इसमें तो अब ये 3 की स्केयर है, 3 की स्केयर कितनी थी 9, 9 की पावर कितनी आ गई 49 49 बटे 5, ये समझ आ गया आपको इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, यहाँ से नेक्स्ट यहाँ तक आते हैं। अब मैं 9 को लिख सकता हूँ 10 माइनस 1, 9 को मैं 10 माइनस 1 लिखा तो वापस 9 ही बन जाएगा। अब देखिए 49, 10 माइनस 1 की पावर 49 बटे 5, अब देखिए सेम का सेम ये फॉर्मूला बन चुका है। देखिए यहाँ a का भाग जाएगा, जो 2 की रकम आएगी उसमें भी a का भाग जाएगा, लेकिन b स्क्वायर में भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 10 में पूरा भाग जाएगा, जो 2 मल्टीप्लाई में 5 आएगा उसमें भाग जाएगा, लेकिन माइनस 1 में डिवाइड नहीं जाएगा। तो मैंने माइनस 1 की पावर 49 लिखा, माइनस 1 की पावर 49 कितना होता है माइनस, तो शेषफल कितना बचा माइनस 1। लेकिन किंतु परंतु माइनस में कभी शेषफल नहीं बचता, तो माइनस 1 शेषफल बचा है, तो ये तो गलत है। माइनस को पॉजिटिव रखने के लिए
जब भी माइनस में शेषफल बचे तो जो भाजक है उसको जोड़ दो। तो माइनस एक में मैंने पाँच जोड़ा तो कितने बचते हैं? चार। तो हमारा शेषफल कितना आएगा? चार। एक तरीका तो ये है, अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो समझना है तो शेषफल थ्योरम सर्च मारिए अमन दारंग से, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, पूरे की पूरी रिमाइंडर थ्योरम मैंने समझाई है, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, यूनिट प्लेस। अब 3 की पावर 98 पाँच का भाग देता हूँ। मैंने कहा था कि आपको इकाई अंक फाइंड करना है, तो इकाई अंक फाइंड करने का तरीका क्या था? पावर में सबसे पहले किसका भाग दो? चार का भाग दो। चार का भाग देने से जितना शेषफल बचता है उसको इसके सिर पर बिठा दो। तो 98 मैंने 4 का भाग दिया तो 2 शेषफल बचा, 2 को मैंने 3 के ऊपर बिठा दिया तो 3 की स्केयर बटे 5, तो नीचे पहले से चल रहा है, 3 की स्केयर कितनी? 9। 9 में यदि 5 का डिवाइड करता हूँ तो 5 एकम 5, तो कितने बच गए? 4 शेषफल बच गया। तो 4, दोनों तरीके से कोई मर्जी तरीका इख्तियार कीजिए, आपका वो आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब 80,808 को 108 से भाग देते हैं, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, 90,900 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या, बताइए। कहते हैं पहले 80,000 में इसका भाग देना है जो शेषफल आएगा, फिर 90,000 में 109 का डिवाइड करना है जो शेषफल आएगा, भाग देना है पहले शेषफल में दूसरे शेषफल का, तो अपने को भागफल बताना कितना आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 80,808 में 108 का डिवाइड किया तो मेरे पास शेषफल कितना आता है? 124। आप भाग दे सकते हो क्योंकि आपको भाग देना आता है, ठीक है। मैंने शेषफल निकाला 24। अब 90,900 में 909 में 109 का भाग दिया तो शेषफल कितना आता है? 3। उसने कहा था कि जो पहला शेषफल बचता है उसमें दूसरे शेषफल का भाग देना है, तो पहला शेषफल बचा 24, दूसरा शेषफल बचा 3, तो अपने को भागफल बताना है। 3 8 कितना होता है? 24। तो पूरा भागफल कितना आया? 8 आया अपने पास। जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यदि 30,028 इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस दहाई, अपने को मान बताना है क्या होगा। कहता है कि 30,028 को अपने को तोड़ना है, एक तो 28 इकाई 28,000, तो अपने को बताना है यहाँ क्या आएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए इकाई में 1 छुपा होता है, दहाई में 10 छुपा होता है, सैकड़े में कितना? 100 छुपा होता है, हजार में 3 0 छुपे होते हैं। अब देखिए ये दहाई, यहाँ 10 छुपा हुआ है, अपने को ध्यान रखना है 10 छुपा है। ये देखिए अपने को 30,028 को तोड़ना है, तो पहले 28 में 1 छुपा है तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 28। तो मैंने 28 का 28 लिख दिया। अब देखिए हजार में क्या छुपा होता है? 3 0 छुपे होते हैं, तो 28 को मैंने 3 से गुना किया तो कितना आ गया? 3 0 से 28,000 आ गया। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? बनाना था 30,028, बन कितना गया? 28,028। तो पीछे कितना रह गया? 2,000। अब अपने को यहाँ बताना है कि कौन सी रकम आएगी जो कि पूरा पूरा जोड़ बताती है। अब देखिए अंतर आ रहा था 2,000। अब देखिए अगर मैं 280 लेता हूँ, यहाँ 280 दहाई है, दहाई से गुना करूँगा तो आ कितना रहा है? 2,800। बनाना कितना था? 2,000, लेकिन ये गलत है। अगर 28 लेता हूँ तो यहाँ 280 बनेंगे जो कि गलत है। यदि यहाँ 200 लेता हूँ, 200 देखिए 200 को मैं 10 से गुना करता हूँ तो कितना बन गया? 2,000। तो दहाई का मान कितना है? 2,000, और 2,000 अंतर बच रहा था तो यहाँ 200 फिट बैठेगा स्टूडेंट, कितना बैठेगा? 200 फिट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। अब देखिए पहली लाइन से क्लिक हो रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा कितना होता है? 50। वो 50 से क्या है? छोटी है। कितनी भी हो सकती है आगे देखते हैं, इतना तो कन्फर्म है वो 50 से छोटी है। 49 हो सकती है, 1 हो सकती है, कोई मर्जी हो सकती है, 1 से 49 तक कोई मर्जी हो सकती है। अगली लाइन देखते हैं और स्पेसिफाई किया उसने, कहता है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई कितना होता है? 40। और 5 दहाई कितना होता है? 50। इनके बीच में है। पहले इसने डिफाइन किया कि वह 50 से छोटी है, अपने लगा लिया कि वो 1 से 49 के बीच में हो सकती है, लेकिन दूसरी लाइन ने तो और ज़्यादा डिफाइन कर दिया कि वो कहाँ होगी, वो 40 से लेकर 50 के बीच में होगी, ठीक है। मैंने 40 से 50 के बीच में लिख लिया, 40 से 50 में 41 42 43 44 45 46 47 48 49,
तो इन रकमों में कहीं भी हो सकती है वो। आगे देखिए, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना कम है, तीन कम है। उसने बोला था एक अंक कम होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ दो अंक कम है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ एक अंक कम है तो बिल्कुल चलेगा। यहाँ एक अंक ज़्यादा है, आप इसके कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ दो अंतर है, यहाँ तीन अंतर है, चार अंतर है, पाँच, ये तो हो नहीं सकता। अगर आपको मान लो इसमें कन्फ्यूज़न है 43 और 45 में, तो आगे देखते हैं, आगे और भी स्पेसिफाई कर रखे हैं, दोनों अंकों का योग 7 है, या तो 43 होगी या 45 होगी। दोनों अंकों का योग कितना है, 7, यहाँ कितना है 11, तो ये बिल्कुल कन्फर्म है। कितनी है, 43 होगी, तो 43 अपनी रकम होगी, 43 43, ठीक है। अब अपने को बताना है, संख्या मैंने ढूंढ ली, पूछा क्या अपने को, अंकों का गुणनफल 43 थी, अंकों का गुणनफल किया 4 × 3, तो कितने होते हैं 12, तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए। देखिए दो अंक की किसी भी एक अंक की या दो अंक से गुना कर रहे हैं तो अपने को जानकारी क्या होनी चाहिए। मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16 से, किससे, 16 से दो अंकों की संख्या है, गुना कर रहा हूँ 5 से, तो मैं 16 को मल्टीप्लाई कर सक 16 को लिख सकता हूँ 10 + 6, इस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 × 5, निशान किसका, प्लस का, 6 × 5, 10 को 5 से किया 50, और इसको इससे किया 30, 30 और 50 कितने होते हैं 80। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई भी मेरे को आ रहा है और प्लस भी आ रहा है। अगर दो अंकों की संख्या से अपने किसी एक अंक को गुना कर रहे हैं तो अपने को योग और गुना दोनों की भूतपूर्व जानकारी होनी चाहिए, प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बिना अपने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, कितने 360 विद्यार्थी हैं, उनमें से दो तिहाई लड़कियाँ हैं, मतलब 360 का 2/3 क्या है, लड़कियाँ, जो बाकी रह गए स्टूडेंट वो क्या हैं, लड़के, मतलब 1/3 क्या हैं, लड़के। उसके बाद लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बतानी है। देखिए 360 विद्यार्थी थे, मैंने गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड करने हैं, तो पहले 360 विद्यार्थियों का 2/3 क्या थी, लड़कियां थी, तो मैंने 2/3 निकाले, तो 1 2 0, तो 120 पे कटा, 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 240 तो लड़कियां आ गई। 360 में से 240 लड़कियां आ गई, तो पीछे लड़के कितने बच गए, 120, तो 120 तो क्या थे, लड़के थे। अब देखिए 120 लड़के हैं, अपने को बताना है लड़कों में 1/4 क्या हैं, प्लेयर हैं, तो मैंने एक तो प्लेयर बांट लिया और एक नॉन प्लेयर, एक तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी नहीं हैं, तो 120 लड़कों की संख्या है, उसमें से 3/4 क्या स्टूडेंट, 3/4 हैं लड़के क्या, खिलाड़ी, तो मैंने 3/4 काटा, तो 3 × 12 = 0, और 3 पे काटा तो कितने पे कट गया, 90 पे कट गया, तो 90 क्या हैं, खिलाड़ी, 120 में से 90 खिलाड़ी हैं, पीछे कितने रह गए, 30 जो कि खिलाड़ी नहीं है। और उसने पूछा जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बताओ, तो 30 खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यदि 13^-5^2 = 3/2 = 6^3 हो तो a का मान बताइए। तो देखता हूँ मैं सोल्व करता हूँ, ये अपने को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट 13 की स्क्वायर खोलता हूँ तो 139, ठीक है स्टूडेंट, 13 की स्क्वायर ओपन की तो 169, 5 की स्क्वायर ओपन की तो 25 / 3/2, ये ऐसे कैसे चल रहा है। अब 169 में से 25 घटाता हूँ तो कितने बचते हैं, 144। अब ये सारा सर्ड और इंडिसेस का कमाल आया था, बाकी ये क्वेश्चन किसका था, ये क्वेश्चन था अपना सर्ड और इंडिसेस का, मैंने यहाँ थोड़ा सा सोल्व करवा दिया, बाकी देख लेते हैं, सर्ड और इंडिसेस में भी कंप्लीट करेंगे इसको। अब देखिए 144 को मैं लिख सकता हूँ, 112 की पावर 2 कितना होता है, 144, 144 को मैंने ऐसे लिख लिया, लिख सकता हूँ क्योंकि 12 की स्क्वायर कितनी होती है, 144, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कट चुका है, तो यहाँ कितना रह गया, 12 की पावर 3 और इक्वल कितना गया, 6 की पावर 3 × a।
अब देखिए ए का मान चाहिए था मैंने, तो 12 की पावर 3 गुना 6 की पावर 3, तो मैं दोनों की पावर समान है तो दोनों को ए की पावर में लिख सकता हूँ, 6/3 लिख लिया, 6 12/6 की पावर 3, तो ये कितने पे कट गया, 2 पे कट गया। तो कितना, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो मैंने क्या किया ए का मान चाहिए था इसको इसके बटे में ले आया, तो 12 की 3 6 की 3, तो 12/6 की होल की 3 दो पे कट गया, 2 की पावर 3 मचा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो अपने को 2 की पावर 3 ही दे रखा है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, और उन सभी दोस्तों से शेयर कीजिए जो सी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भेज सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। धन्यवाद।